तेल अवीव पर हमास ने किया है बहुत बड़ा अटैक। हमास ने रॉकेट से तेल अवीव पर हमला किया है, एक साथ दर्जनों रॉकेट से तेल अवीव पर अटैक हुआ है। तेल अवीव पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक जारी है। ये देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं कैसे हमास ने ये रॉकेट अटैक किया है तेल अवीव पर। रॉकेट से एक के बाद एक हमले हुए हैं, आसमान में एक साथ दिखे हैं दर्जनों रॉकेट। ये देखिए दर्जनों रॉकेट आसमान में नजर आ रहे, एक तरफ सड़क पर नीचे गाड़ियां चल रही हैं तो ऊपर आसमान में दर्जनों की संख्या में रॉकेट नजर आ रहे हैं। ये तेल अवीव पर हमले के लिए रॉकेट भेजे गए थे, हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया है। और इसराइल के लिए हमास की बहुत बड़ी तैयारी है, सैकड़ों रॉकेट के साथ देखे हमास के लड़ाके। तेल अवीव पर इन्हीं रॉकेट से हमला हुआ है, इजरायली बॉर्डर पर हमास का ऑपरेशन जारी है। ये देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी तैयारी चल रही है, हमास की बहुत बड़ी तैयारी है। कुछ तस्वीरों के जरिए ये पता चला है सैकड़ों रॉकेट के साथ हमास के लड़ाके नजर आए हैं, जो ये बताते हैं कि इजरायल पर अब एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी है। तो वहीं तेल अवीव में बेहद अफरा तफरी का माहौल है। तेल अवीव में लगातार बज रहे सायरन, सायरन बजते ही सुरक्षित जगहों की तरफ लोग भागते नजर आ रहे हैं। तेल अवीव पर हमास लगातार कर रहा है हमला। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले से गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। गाजा में अब तक 17,490 लोगों की मौत हो गई। गाजा में मरने वालों में 7,870 बच्चे शामिल हैं। जंग में अब तक 47,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और बड़ी खबर, गाजा में बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन फेल हो गया। साथ ही इजरायली सेना ने किया था यह ऑपरेशन, एम्बुलेंस में बैठकर बंधकों को छुड़ाने गई थी आईडीएफ। हमास का दावा है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में एक इजरायली बंधक की मौत हो गई। हमास ने जारी किया मारे गए बंधक का वीडियो। ऑपरेशन में दो इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं।